नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज डायलॉग पर, जहां पर हम हर दिन जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें जो आपके लिए महत्वपूर्ण और काम की है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस बुलेटिन वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही इन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों का सिलसिला। देश में फिर बढ़े कोविड 19 के केस, 18,000 से ऊपर आए नए मामले, केरल का असर ज्यादा। कोविड 19 वैक्सीनेशन पर नया कीर्तिमान, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ की पार, पीएम मोदी बोले मजबूत सुरक्षा कवच अब देश के पास। कोरोना के बाद बढ़ी है हर्बल प्रोडक्ट की मांग, आयुर्वेदिक पौधों की खेती करने वाले किसानों को मिल रहा है इसका अच्छा फायदा। LIC पर हॉट स्प्रिंग पर नहीं बनी बात, अब इस महीने होगी भारत चीन के बीच WMCC की मीटिंग। पीएम मोदी ने शहीद हुए पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि, कहा पुलिस बलों के बेहतरीन प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं। ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से NCB की पूछताछ शुरू, लैपटॉप मोबाइल पर घर से एजेंसी ने किया जब्त। चीन के साथ तनाव के बीच पूर्वी सेक्टर में फायर पावर बढ़ा रहा भारत, हर मुश्किल से मुकाबले के लिए तैयार सेना। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को करेंगे 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन, 4 कॉलेजों को मिले नए नाम। बिहार में नए तेवर में तेज प्रताप, बदले लुक में फोटो शेयर कर लिखा तुम हमारा मजाक उड़ाओ हम तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। अरुणाचल में चीन बॉर्डर के पास सेना ने तैनात की L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन, दुश्मन पर अब लगेगा और सटीक निशाना। ऐसे इंजन से खत्म हो जाएगी पेट्रोल डीजल की जरूरत, 60 से 62 रुपए लीटर वाले ईंधन पर दौड़ेगी कार, नितिन गडकरी ने बताया प्लान। धर्मांतरण मामले में फंसे IAS इफ्तिखारुद्दीन को सस्पेंड करेगी योगी सरकार, SIT की रिपोर्ट में हुए बड़े खुलासे। 27 अक्टूबर को ईरान करेगा अफगानिस्तान पर खास मीटिंग, रूस चीन और पाकिस्तान भी होंगे शामिल। नरेंद्र मोदी ने किया 806 बिस्तरों वाले इंफोसिस के विश्राम सदन का उद्घाटन, मरीजों को मिलेगी खास सुविधाएं। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद पहली बार दिखे शाहरुख खान, बेटे से मिलने पहुंचे आर्थर रोड जेल। आर्थर रोड जेल में आर्यन खान और शाहरुख खान के बीच 15 मिनट तक हुई बातचीत, आधार कार्ड चेक करके अंदर भेजे गए बॉलीवुड सुपरस्टार। भारत के खिलाफ आक्रामक रहा है चीन, जहां जरूरत होगी वहां चुनौती देगा अमेरिका, अमेरिकी राजदूत का बयान। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर तिरंगे के रंग रोशन होंगे, 100 स्मारक, देश भर में खुशी का माहौल। यूपी में BKU अध्यक्ष नरेश टिकैत का आरोप, केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं को कर रही है नजरअंदाज, यही हालात रहे तो जारी रहेगा आंदोलन। NCB ने मन्नत पहुंच शाहरुख खान को थमाया नोटिस, सोशल मीडिया पर फैंस ने लिखी खास बातें। उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन से अब तक 64 की मौत, 11 से ज्यादा लोग अब भी लापता, गृह मंत्री अमित शाह ने किया प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण। पश्चिमी बंगाल के बीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, पुलिस ने 5,500 जिलेटिन स्टिक और 2,500 डेटोनेटर भरा ट्रक किया जब्त। गुजरात में बाढ़ प्रभावित 4 जिलों के किसानों को मिलेंगे 546 करोड़ रुपए, सरकार ने की राहत पैकेज की घोषणा। उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़ा एक्शन चाहते हैं अमेरिका और यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र से पूरी तरह प्रतिबंध लगाने को कहा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिला दिवाली गिफ्ट, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भारी बारिश के कारण दलहन और तिलहन की फसलें नष्ट, पश्चिमी यूपी में धान की फसलों को भी नुकसान। भारत ने अपनी संकल्प शक्ति का दिया परिचय, वैक्सीनेशन का शतक पूरा होने पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
उत्तराखंड के चितकुल की ट्रेकिंग पर गए 11 सदस्यीय दल के 5 पर्यटकों की मौत, हेली रेस्क्यू जारी। अब वकील बहस के समय हटा सकेंगे मास्क, सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होने पर जस्टिस अब्दुल नजीर का निर्देश। पीएम मोदी ने एम्स के झज्जर कैंपस को दिया तोहफा, 806 बेड की विश्राम सदन का किया उद्घाटन। पंजाब में कांग्रेस के लिए टेंशन बने कैप्टन अमरिंदर, बीजेपी के साथ गठबंधन ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें, आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा असर। उत्तराखंड में मौसम मेहरबान हुआ तो फिर शुरू हुई चार धाम यात्रा, भारी बारिश से अब तक 55 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में स्मृति दिवस पर सीएम योगी ने पुलिस कर्मियों को दी सोगा, हर भत्ते में 25% का इजाफा और अब मोबाइल भत्ता भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद किसानों ने खाली किया गाजीपुर बॉर्डर, राकेश टिकैत बोले हमने नहीं रोका था रास्ता। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दीपावली का तोहफा, 8% बढ़ाया महंगाई भत्ता। आर्यन खान ड्रग्स केस में अभी जेल में ही रहेंगे आर्यन खान, हाईकोर्ट मंगलवार को करेगा जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई। भारतीय और यूएस सेना ने यूएन चार्टर के तहत किया अभ्यास, ब्रिगेडियर ने साझा किए अपने अनुभव। पाकिस्तान से भारी पड़ी दोस्ती, टेरर फंडिंग मामले में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है तुर्की। बिजली घरों में कोयले की कमी बरकरार, 4 दिन से कम कोयला भंडार वाले संयंत्रों की संख्या बढ़कर 61 पहुंची। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 7 आईएएस अधिकारियों का किया ट्रांसफर, स्वाति शर्मा को बनाया दिल्ली का नया स्वास्थ्य सचिव। यूपी में प्रियंका गांधी के साथ सेल्फी बनी मुसीबत, महिला पुलिसकर्मियों के खिलाफ कमिश्नर ने बिठाई जांच। जैकलीन फर्नांडिस से ईडी ने की 7 घंटे तक पूछताछ, जांच एजेंसी का दावा सुकेश ने एक्ट्रेस को गिफ्ट की थी महंगी कार। दिल्ली एनसीआर में नोएडा में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मास्को में रूस में भारतीय प्रतिनिधि मंडल से मिले तालिबानी नेता, आर्थिक संबंधों में सुधार सहित कई मुद्दों पर हुई बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, ऐसे लोगों को रहना होगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सरकार ने की जारी नई गाइडलाइन, कोरोना पीड़ित लोगों को रहना होगा क्वारंटाइन। भारत रक्षा निर्यात में वैश्विक लीडर बने, इसके लिए रक्षा मंत्रालय प्रयासरत, राजनाथ सिंह का बयान। यूनिसेफ इंडिया ने 100 करोड़ खुराक देने पर भारत सरकार को दी बधाई, कहा 2400 घंटे लगे हेल्थ वर्कर। 100 करोड़ टीकाकरण पर WHO प्रमुख ने की पीएम मोदी, वैज्ञानिकों स्वास्थ्य कर्मियों और भारत की जनता की तारीफ। आंध्र प्रदेश ने पुलिस रिजर्व इंस्पेक्टर पर हमले को लेकर नारा, लोकेश समेत अन्य TDP नेताओं पर केस किया दर्ज। केरल के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, 8 जिलों के लिए फिर से ऑरेंज अलर्ट हुआ जारी। BSF के अधिकार क्षेत्र बढ़ने से TMC ने दिनहाटा उपचुनाव में उछाला मुद्दा, संसदीय समिति भी मामला उठाने को तैयार। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी के गढ़ में डंका बजाएगी प्रियंका, 31 अक्टूबर को महिला शक्ति के प्रचंड प्रदर्शन की तैयारी। कर्नाटक में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा अध्यक्ष के बयान पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने जताई नाराजगी, यदि यूरोपा बोले ये मर्यादित भाषा नहीं। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।